आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राइटनेस ऑफ बल्ब एंड स्पीड ऑफ मोटर तो जो टॉपिक है उसमें हम वो वाले रीजंस या वो वाली वजूहत जानेंगे जिससे बल्ब की ब्राइटनेस या स्पीड की मोटर मोटर की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है अच्छा जो बल्ब की ब्राइटनेस का मतलब ये है कि बल्ब से आने वाली रोशनी बल्ब को आप जैसे मैं एक मिनट बता दिखाता हूं आपको एक पिक्चर से जैसे ये बल्ब को देखें ये तकरीबन हमने तीनों एक जैसे बल्ब लगाए हुए हैं सॉरी ये चार बल्ब है अब आप इनको देखें ये तो बिल्कुल बंद है इसमें थोड़ी सी रोशनी है इसमें थोड़ी ज्यादा रोशनी है और इसमें सबसे ज्यादा रोशनी है तो अगर हम सारों को फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे एक ही बैटरी से ही आ रहे हैं उनको तो ये कम क्यों है और ये सबसे ज़्यादा क्यों है इसके पीछे हम रीज़न जानेंगे इसी तरह से मोटर का केस है इसी तरह से ये देखें मैंने ये पानी की जो मोटर नॉर्मली हमारे घरों में मौजूद है इसको यहाँ से वायर आ रही होती हैं जो कि इसको बिजली देती हैं जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं और फिर ये इसके साथ यहाँ पर एक सेक्शन सी लगी होती है जो नीचे वाली टंकी में से पानी को ऊपर वाली टंकी तक चढ़ाकर हमें देती है उसको हम कहते हैं कि इसने क्या किया है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया है मैकेनिकल वर्क में नीचे वाली टंकी में से पानी को ऊपर वाली टंकी में चढ़ाना ये कहलाता है मैकेनिकल वर्क यहाँ हम इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देना इन दोनों में जैसे ये लाइट कम ज़्यादा के पीछे और इस मोटर की तेज़ चलने या आहिस्ता चलने के बीच में जो कॉमन कॉमन सी चीज़ें जैसे वायरिंग कर दें पीछे से जो बिजली आ रही है इस तरह की हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे दोनों को फ़र्क पड़ता है यही हमारा आज का टॉपिक भी है अब ज़रा देखें कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है वो बल्ब का इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये मोटर का इलेक्ट्रिक सर्किट है मैंने मोटर तो ड्रॉ नहीं कर सकता उसका मैंने सिंबल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है मोटर का ये सिंबल है अब जरा देखें इनमें हम वैसे ही देखते हैं क्या चीज कॉमन है ये बैटरी का सिंबल है यहाँ पर ये बैटरी बनी हुई है ये बटन का सिंबल होता है ये यह यहाँ बटन बना हुआ है ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं चाहे इधर है या इधर है यहाँ पर तो लिखा भी है कि ये वायर है यहाँ भी वायर है यहाँ मोटर है यहाँ बेल्ब है तो जो चीज़ें मोटर और बल्ब में तो डिफरेंस है इसका मतलब है कि इसकी ब्राइटनेस को ये बैटरी इफ़ेक्ट करेगी और इस मोटर की स्पीड को ये वाला जो बैटरी है ये इफ़ेक्ट करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लिख लेते हैं जैसे पहला फैक्टर बैटरी का है अब अगर ये छोटी बैटरी लगी होगी तो यहाँ से एनर्जी जो कि करंट आएगा वो कम होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी और अगर यहाँ से भी कम एनर्जी या कम करंट मोटर को मिलेगा तो मोटर जो है वो आहिस्ता चलेगी तो पहला फैक्टर हो गया कि ये बैटरी है हो सकता है अगर हम इसको दो बैटरियाँ लगा दें यहाँ भी दो बैटरियाँ लगा दें तो बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि करंट ज़्यादा हो जाएगा और मोटर जो है वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगी दो की जगह तीन कर दें चार कर दें पाँच कर दें इसी तरह से अगर यहाँ पर भी ज़्यादा कर देंगे तो मोटर और स्पीड से चलेगी ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलेगी और जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तो पहली जो चीज़ है वो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो बैटरी की कॉम कॉम बैटरी कॉमन है अगर छोटी बैटरी होगी तो बल्ब की ब्राइटनेस और मोटर की स्पीड कम होगी अगर बैटरी बड़ी होगी या बैटरी ज़्यादा होंगी बैटरियाँ ज़्यादा होंगे तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी और मोटर की स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है दूसरी जो चीज इन दोनों में कॉमन सी लग रही है ना जिससे हमें लगता है फर्क पड़ेगा ये जो बैटरी से बल्ब तक आने वाली तार है या वायर है इसी तरह इसमें से मोटर तक आने वाली वायर है तो वायर का इफेक्ट भी हो सकता है इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा अब देखें जो लेंथ वायर की लेंथ है ना उससे भी बड़ा फैक्टर फर्क पड़ता है जैसे मैं अगर ड्रा करूं तो कुछ इस तरह से ड्रा होगी जैसे यहाँ पर आप देखें ये मैंने एक ब्लू कलर की वायर बनाई है एक येलो कलर की और एक ग्रीन कलर की थोड़ा सा फ़र्क बताने के लिए जो कलर की वजह से वायर पे फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इनकी लंबाई की वजह से ये देखें ये छोटी वायर है ये उससे बड़ी है ये उससे बड़ी है अब आपको पता है जैसे वायर में से यहाँ से वायर में से करंट जाता है ना तो करंट जब इसमें से फ्लो करता है तो वायर के फ्रिक्शन की, की वजह से या जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि हम जमीन पर चलते हैं तो अर्थ की फ्रिक्शन होती है या एयर की फ्रिक्शन है इसी तरह से जब वायर के अंदर करंट फ्लो करता है ना तो करंट को भी फ्रिक्शन मिलती है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस अब फॉर एग्जांपल ये यह देखें यहाँ से ये ये वाली छोटी वायर है ना तो छोटी वायर होगी तो इसकी फ्रिक्शन भी कम होगी जैसे वायर बड़ी होती जाएगी लंबी होती जाती है तो उसकी देखे ये डबल हो गई तकरीबन थोड़ी डबल के करीब ही है आ, ये और ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रिक्शन पाँच है तो पाँच तो यहाँ तक हो गई तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल तीन है तो आठ फ्रिक्शन हो जाएगी ओहम्स यहाँ पर भी पाँच है फॉर एग्जांपल यहाँ तक तीन है तो फॉर एग्जांपल यहाँ आगे भी तीन है तो इसकी फ्रिक्शन जो है वो ग्यारह हो गई तो वायर जितनी लंबी होती जाएगी उसकी रजिस्ट फ्रिक्शन करंट को ज़्यादा मिलेगी मतलब उसकी रजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी इसकी वजह से जो वायर की ब्राइट जो सॉरी बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी इसी तरह से मोटर की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी तो अगर हम वायर छोटी कर दें तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब ये है इसी तरह से मोटर की स्पीड को भी हम छोटी वायर के साथ अगर कनेक्ट करें तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से करंट ज्यादा मिलेगा या एनर्जी ज्यादा मिलेगी अब जो तीसरा फैक्टर है वो थिकनेस ऑफ वायर का है अब यहां से देखे जो मैंने फिगर बनाई हुई है आगे वायर्स की ये थोड़ी सी ब्लू वाली पतली वायर है येलो और जो ग्रीन है वो उससे थोड़ी मोटी मोटी वायर्स है अब जो पतली वायर होती है उसमें एटम्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होती है जब बड़ी वायर होती जाएगी ना तो उसमें ए, करंट के फ्लो के लिए जैसे आपने अभी जानते हैं कि बैटरी से करंट फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होती जाती है रेजिस्टेंस कम होती जाती है मीन्स एटम दूर दूर थोड़ा उनमें फासला ज्यादा हो जाता है तो करंट के गुजरने के लिए रास्ता ज्यादा होता जाता है और ये वायर थोड़ी मोटी है तो इसका मतलब है इसमें और आइटम दूर दूर होंगे तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगी इसको अभी कभी आप देखें ना तो घर के अंदर जो वायर खंबे से वायर आ रही होती है वो मोट कम आ, आ, मोटी होती है लेकिन खंबे एक खंबे से दूसरे खंबे पे आपने देखा होगा वो सिल्वर कलर की जो वायर्स होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं क्यों क्योंकि उनमें जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है अब घरों में जो वायर होती है और पतली होती जाती है क्योंकि उसमें से करंट भी हमें कम ही फ्लो कराना होता है तो जो बाहर वायर्स होती हैं उसमें से करंट ज्यादा फ्लो कराना होता है अब अगर वायर पतली होगी तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी जो वायर मोटी होती है उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा हुआ है नॉर्मली ग्राउंड पे चलते हुए फ्रिक्शन होती है लेकिन वायर के केस में उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं तो जो पतली वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है मोटी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है रेजिस्टेंस कम होती है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी और मोटर की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी अब जो चौथा फैक्टर है वो डिवाइसेस के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइसेस का मतलब क्या है ये आपके पास देखिए वायर में एक बल्ब लगा हुआ है आप यहाँ पर ऐसा करें एक बल्ब और लगा दें तो क्या होगा यहाँ पर मैंने बल्ब बना दिया है तो दो बल्ब हो जाएंगे बैटरी तो वो ही है इससे आने वाला करंट में कुछ एनर्जी बल्ब ये वाला खर्च कर देगा जिससे एनर्जी कम हो जाएगी उस करंट की जब वो इसमें पहुँचेगा तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी अगर यहाँ पर और लगा दें तो उसके पास एनर्जी और कम पहुँचेगी इससे क्या होगा ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा ये उससे कम ब्राइट होगा ये उससे भी कम ब्राइट होगा इसी तरह से ये मोटर लगी हुई है तो अगर आप यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक मोटर और लगा दें तो यहां से करंट गुजर के आएगा यहां तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी वाला करंट आएगा यहां पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी कम हो चुकी होगी करंट की तो ये थोड़ी स्लो चलेगी यहां पहुंचेगी तो करंट तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी इस तरह से ये तेज़ चलेगी ये उससे कम ये उससे कम तो इसका मतलब ये है कि सर्किट में आपने कितने डिवाइसेस लगाते हैं चाहे मोटर लगाएं या मोटर के अलावा कोई और डिवाइस लगा दें यहाँ पर या यहाँ पर इससे पहले लगा दें तो उससे भी जो करंट होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो डिवाइस ये वाली डिवाइस स्लो हो जाएगी और जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी आज हमने डिस्कस किया कि के, के बल्ब की ब्राइटनेस और जो मोटर है उसके स्पीड को चार हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं जिससे उनको फ़र्क पड़ता है जैसे बैटरी छोटी है या बड़ी है जो वायर है वो लंबी है या छोटी है वायर मोटी है या पतली है और उस सर्किट में कितने बल्ब लगे हुए हैं या कितनी डिवाइसें लगी हुई हैं